बोट्रैन model. so model पढ़ने से पहले I'll show you the question that has been asked previously. so question was asked in 2013, both were from the Bortran model. Bortran model से पूछा गया था, case of homogeneous product का पूछा गया था. इसमें actually दो cases बनते हैं, one एक homogeneous का बनता है, दूसरा एक differentiated product का बनता है. इस video में I'll just include homogeneous, उसके बाद I'll cover a numerical एंड उसके बाद वील डू अ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट का केस सो so, जो प्रीवियसली क्वेश्चन आ रखे हैंट वॉज ऑल रिलेटेड टू होमोजीनियस और जो न्यूमेरिकल है दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस सो फर्स्ट वील रीड द कॉन्सेप्ट में फिर न्यूमेरिकल करेंगे न्यूमेरिकल आई कब इन अदीडियो ऑफ माइंड सो अभी हम स्टडी करेंगे बोर्ट्रांड प्राइस कॉम्पिटिशन होमोजीनियस प्रोडक्ट का सो लेट्स गेट स्टार्ट सो इसमें बेसिकली होमोजीनियस के अंदर फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एक चीज़ को बनाने की वैसे तो बोटर मॉडल जो है वो तब यूज़ होता है जब दोनों फॉर्म्स जो हैं वो प्राइस इकट्ठे साइमटेनियसली डिटर्मिन करती हैं सो so, बोटर मॉडल तब होता है हमने कुरनो पढ़ा था स्टाकल पढ़ा था कुरनो में हमें पता है दोनों फॉर्म्स जो हैं साइमटेनियसली क्या डिटर्मिन करती हैं आउटपुट इकट्ठे डिटर्मिन करती हैं बोट्रैंड में बी से याद कर लो बी जब होगा ना बी तो मतलब पी इसका ऊपर वाला बना लोगे तो समझ में आ जाएगा मतलब आ, कई बार एम सी क्यूज जैसे यू जी सी नेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे कभी बार पूछ लिया जाता है कि बोड ट्रांड क्या होता है उसमें कई बार आप आउटपुट और प्राइस के बीच में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएं तो उसको अवॉइड करने के लिए बी का थोड़ा पी बना दो नीचे का नहीं बनाओगे तो ऊपर का जो पी बचेगा उससे याद कर लो कि पी मतलब प्राइस इकट्ठे डिटरमिन करते सो so होमोजीनियस के अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दो फॉर्म्स हैं एक फॉर्म वन और एक फॉर्म टू है वो कुछ कुछ प्राइस चार्ज कर रहे हैं फॉर्म वन ने उसका प्रोडक्शन का जो कॉस्ट लगता है वो दस रुपये लगता है उसने मार्केट में लोगों से प्राइस कितना चार्ज किया पंद्रह दूसरी फॉर्म आई उसने देखा कि कॉस्ट तो दस रुपये लगता है मैं इससे अप, अपना ट्रैफिक इस साइड अपनी साइड ले आती हूँ इसके जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी साइड कस्टमर्स ले आती हूँ तो वो चौदह रुपये चार्ज करने लगता है तो सारे लोग यहाँ से यहाँ उठ जाते हैं क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट होमोजीनियस एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट के लिए कोई इंसान आप खुद भी सोचो कि मैं किसी आइडेंटिकल प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे किसी और को क्यों दूंगी अगर मुझे दो सेलर्स बैठे हुए हैं कोई मुझे चीज़ पंद्रह रुपए की देगा एक चौदह रुपए की देगा चौदह रुपए वाले के पास ही जाऊंगी क्योंकि मेरा एक रुपया बच रहा है सो so, सारे जो कस्टमर्स होते हैं फोटीन जो प्राइस चार्ज करो होता है उसके पास चले जाते हैं ये देखते हैं कि भाई मेरे को भी दस रुपये ही देने पड़ते हैं मार्जिन मतलब कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की दस रुपये लगती है मैं तेरह रुपये चार्ज कर लेता हूँ सारे कस्टमर मेरे पास वापस आ जाएंगे तो वो तेरह रुपये चार्ज करता है सारे कस्टमर्स इसके पास आ जाते हैं तो ये प्रोसेस जो है ना चलता रहता है जब तक प्राइस एम के बराबर ना हो जाए सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट जो बोट्रांड बोलता है होमोजीनियस प्रोडक्ट के अंदर कि जो प्राइस है वो चार्ज किसके बराबर होगा मार्जिनल प्रोडक्ट के क्योंकि अगर कोई एक सेलर प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है क्योंकि सारे कस्टमर उसके पास जाएंगे जो कम प्राइस चार्ज करेगा सो बोटरन मॉडल के अंदर बोटरन मॉडल के अंदर फॉर्म डिटर्मिन करती है प्राइस साइमटेनियसली विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कि वो इकट्ठे प्राइस डिटर्मिन करते हैं साइमटेनियसली वेन बोथ फॉर्म प्रोड्यूज आइडेंटिकल प्रोडक्ट जब दोनों फॉर्म आइडेंटिकल प्रोडक्ट दैन ईच फॉर्म विल चार्ज प्राइस क्योंकि दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो कोई भी कस्टमर उनके पास नहीं आएगा तो दैट इज़ ओनली रिटर्न की प्रोडक्ट आइडेंटिकल है सो so, हर फॉर्म जो है वो चार्ज कितना करेगी प्राइज इक्वल टू एम सी दिस इज़ बिकॉज इफ एनी फॉर्म चाइज चार्ज प्राइस ग्रेटर देन एम अगर कोई फॉर्म प्राइस से ज़्यादा एम से ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी तो कॉम्पटूटर विल हैव एन इंसेंटिव दूसरा कॉम्पूटर के पास इंसेंटिव होगा कि वो चार्ज करे प्राइस स्लाइटली लोअर जो कि हमने इस केस में देखा वो स्लाइटली लोअर चार्ज करेगा सो so, उसके पास इंसेंटिव होगा कि वो चार्ज करे प्राइस स्लाइटली लोअर एंड देयर बाय गेट पूरी मार्केट एंटायर मार्केट उसके पास हो जाए दिस इज़ बिकॉज प्रोडक्ट बाय डिफरेंट फॉर्म आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट क्योंकि ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट है आइडेंटिकल प्रोडक्ट है कंज्यूमर के लिए तो देयर फोर ईच फॉर्म विल कंटिन्यू टू रिड्यूस प्राइस तो हर फॉर्म जो है वो प्राइस रिड्यूस करती चल जाएगी चलती जाएगी जब तक वो एम सी के बराबर नहीं हो जाता

इन दैट केस इफ फॉर्म वन जो है वो चार्ज करेगी प्राइज ग्रेटर देन एम सी अगर एक फॉर्म जो है वो प्राइज़ ज़्यादा चार्ज करिए ग्रेटर देन एम सी एट से फिफ्टीन प्राइज करिए तो देन फॉम टू जो दूसरी फॉर्म है विल रिएक्ट बाई चार्जिंग प्राइज लेस देन फिफ्टीन सेफ फोर्टीन चार्ज करेगी सो इन दिस केस फॉर्म वन जो है वो फॉर्म वन फिर रिएक्ट करेगी वही चार्जिंग प्राइस लोअर देन फोर्टीन ये जो एक्शन रिएक्शन पैटर्न है ये चलता रहेगा सो so दैट प्राइस किसके बराबर हो जाए एम के बराबर हो जाए देअर फोर वेन बोथ चार्ज प्राइज इक्वल टू एम जब दोनों फॉर्म्स जो हैं वो एम के बराबर चार्ज करती हैं प्राइज नो फॉम एन इंसेंटिव किसी भी फॉर्म के पास इंसेंटिव नहीं है कि वो डेविएट करे फ्रॉम प्राइज दैट इज जो एम सी से ज़्यादा होगा सो इन द इन दैट सेंस वो जो प्राइज़ इक्वल टू एम सी होगा दैट इज़ नैश इक्व क्या होगा नैश इक् ये जो आउटकम है इज़ आइडेंटिकल टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये परफेक्ट कॉम्पटिशन जैसा ही है क्योंकि प्राइज़ जो है वो किसके बराबर होता है एम सी हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पता ही है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होती है वो प्राइज़ इक्वल्स टू एम सी होती है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ ये जो इसके आउटकम हैं इट इज़ आइडेंटिकल टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन दैट इज़ प्राइज इक्वल टू एम सी इसको हम क्या बोलते हैं बोर्ड्रैंड पैराडॉक्स एज डिस्पाइट कि दो फॉर्म्स हैं और इन द मार्केट आउटकम वो किसका उसका रिजल्ट किसके बर किसके जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन इसलिए इसको हम बोट्रैंड पैराडॉक्स भी बोलते हैं सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो में आई एल बी कवरिंग ये वाला क्वेश्चन दिस क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड थर्टीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे सो या स्टेट यून फॉर दैट मैंने चैम्बर लेने से पहले वाली वीडियो में बोला था